एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया, तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है, तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है, तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना जहरीली शराब से मर गया, तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपस, हम के वाह जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए बताइए, खराब चीज है लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही ना है। आवाज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं, तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो गरीब गुरबा को मत पकड़ो, अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है वो मतलब नहीं है, असली जो कर रहा है शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है उसको पकड़ो, मेन चीज है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए और हम लोग 1,00,000 रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए, जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए, बहुत बुरी चीज। और बोलिए हमने किसके कहने पर किया, बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी, और महिलाएं कितनी सक्रिय रहती हैं, पुरुष भी कितने सक्रिय रहते हैं, हमने तो राजधानी में कर पटना में कर दिया था कि अभी रहेगा बाद में करेंगे 16 में, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं का पुरुषों का, तो 5 दिन के अंदर ये भी हम लोग कर दिए थे 16 में। तो एक बात सोच लीजिए कि लोगों का है भला, बताइए कुछ बोलता है, इतने लोगों का बार बार समीक्षा रोज देखते होंगे कि कितने लोगों पर एक्शन लेता है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो कार्रवाई करता है उनको हम लोग इतना जरूर कहते रहते हैं कि देखो भाई कि ऐसे ही किसी को नहीं, असली कोई गड़बड़ करता उसको पकड़ो, हम तो कह रहे और पूरे तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि सारे लोग देखें इसको, तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप सोच लीजिए कितना खराब है, पता जो चला है 31 आदमी ना, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है, तो जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए, अब तो करने के लिए तैयारी है, लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई कि आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे तो हम इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे, अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज है ना, तो इसको तो सबको समझाना ना चाहिए, तो कह रहे हैं कि उनको पैसा, कमाल है भाई, और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहां कहां कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर, सोच लीजिए जरा हालत समझ लीजिए कितना गंदा बात है, सारे दल के लोगों ने मिल करके ये फैसला किया, एक एक लोगों ने शपथ लिया, कैसे कह रहे हैं, लेकिन समाज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी, आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। शराब बंदी कानून से तो बहुत लोगों का फायदा हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, और जो बिक्री हो रही है देख रहे हैं सब्जी वगैरह से लेकर के एक एक चीज का, फल का,
अब कितने लोग गरीब गुरबा तबका के लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, हम तो बराबर ना कह रहे जी। घर की महिलाएं क्या क्या कही हैं, उसके पति शराब पीते थे, झंझट करते थे, और जब लागू हो गया शराब पीना छोड़ दिए, अब बहुत खुशी के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर से सामान लाते हैं। ये तो शुरू से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बहुत लोग ने इसको अब स्वीकार किया है, लेकिन कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं। अब उस पर एक्शन होगा, पूरा पूरा का पूरा देख नहीं रहे, बराबर तो कर रहा है, लेकिन हमने कहा है कि भाई देखो गड़बड़ असली काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई आदमी कोई कम्मा को लेकर के गरीबी के कारण किसी के लिए कुछ कर दिया, उसमें उसको समझाना है, लेकिन बाकी लोगों को और उसको समझाना ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं कि काम मत करिए, अच्छा काम करिए, उसके लिए हम आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। आप लोगों को पता है ना जी, कोई हम अपनी इच्छा से किए हैं, बोलिए। अब बापू की इच्छा सब दिन हम लोग बचपन से चाहते थे, लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और उसके बाद भी हट गया तो एक तरह से, लेकिन जब महिलाओं ने मांग की 15 में, तभी ना हम कहा कि ना ठीक है अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे, बोलिए। सब लोगों ने समर्थन दिया है तो भाई एकदम लगना ना चाहिए, अभियान में चलाते रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है, मत पीजिए, ये सब बोलना चाहिए लोगों को। अच्छा एक बात और, एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा, आप पूछ लीजिए उन लोगों से, कुछ नहीं बोलता। पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा, तो उसको क्या कीजिएगा बेचारे, आप लोगों का कोई दोष है थोड़ी है बेचारे का। अरे अरे भाई आप लोग तो एक आध बार हमसे पूछ के थोड़ा सा भले चला दीजिएगा, लेकिन असली चीज तो है कि सब चीज को बैन कर देता है, कि हम तो जान रहे हैं, तो बाकी जो कुछ भी है तो लोगों तक तो सही बात पहुंचाता नहीं है। अब बोलिए, सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए, अब आप सोच ही लीजिए कि कितना गलत बात है, इसके लिए रात दिन प्रयास हो रहा है, अब वही ना हो रहा है। अभी 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था, नहीं हो रहा था, अब समय क्या था, आज तुरंत चूंकि अलग हटा है तब बोल रहा है, तब बोलने के लिए जो मर्जी हो, हमने तो ऐसे ही खाली समझाया, अरे भाई सब लोग मिलके ना लागू किए, इसके किसके खिलाफ फिर कैसे बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम इतना बोल देते हैं। अब बाकी और हम कुछ नहीं बोले, विपक्ष को भी कहेंगे कि सबकी सहमति से लागू हुआ है, आप भी हर जगह अभियान चलाइए कि कोई शराब न पिए, ये गंदा काम है, सबको नुकसान पहुंचाने वाला।